सभी को नमस्कार। आज आपने मुझे ऐसे विषय पे बोलने के लिए प्रेरणा दी जिससे इस प्रकृति का उत्पादन हुआ, जन्म हुआ, मानव जाति का जन्म हुआ, प्राणी मात्र का जन्म हुआ और वो पूरी की पूरी शक्ति सेक्स के माध्यम से पैदा हुई। वैसे हमारे समाज में, हमारी सभ्यता और सुसभ्यता में आम रूप से सेक्स के बारे में बात करना, चार लोगों के बीच में बैठ के बात करना शर्म की बात मानी जाती है, इज्जतदार लोगों की बात नहीं मानी जाती। लेकिन सच्चाई ये है कि मेल फीमेल के सेक्स के बगैर इस प्रकृति का जन्म, मानव जाति का जन्म असंभव है और असंभव रहेगा। सेक्स एक ऐसी शक्ति है जहां मानव को शारीरिक सांत्वना देती है, शारीरिक विकास करती है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। वही सेक्स हमारे जीवन में नर और नारी के रूप में जन्म देता है और मानव जाति के साथ साथ प्रकृति के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, जानवरों के लिए भी प्रकृति ने सेक्स को एक माध्यम बनाया है। सेक्स के बारे में यदि हम खुल के बात करें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेक्स का यदि हम दुरुपयोग करें तो बुराई है। जैसे एक पिता, एक माँ, एक भाई बहन, एक रिश्तेदार एक जवान बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, अर्थात उसके लिए वर ढूंढते हैं, और जो वर ढूंढा जाता है वो लड़की वालों के परिवार में भगवान के रूप में पूजनीय माना जाता है। इसके विपरीत यदि कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी लड़के को पसंद कर ले, उसके साथ सेक्सी संबंध बना ले, तो वो लड़का और लड़की दोनों ही कलंकित माने जाते हैं, समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन वर्तमान समय में ये परिभाषा भी धीरे 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 नया स्वरूप ले रही है। लेकिन जहाँ तक मैं सेक्स के बारे में बात करता हूँ, सेक्स वो माना जाता है जब हम उम्र के हिसाब से मैच्योर हो जाते हैं, सोच शक्ति के हिसाब से मैच्योर हो जाते हैं, विचारों के हिसाब से मैच्योर हो जाते हैं और एक ऐसी दुनिया को, एक ऐसे देश को, एक ऐसी विचारधारा को नया स्वरूप देना चाहते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सदैव विचरण करती रहे, अच्छी अच्छी बातों को प्राथमिकता देती रहे, कुरूतियों को मिटाती रहे और इस देश को और इस समाज को विश्व शक्ति का स्वरूप देके उभर सके। कुछ लोग सेक्स केवल इसलिए करते हैं कि बच्चे पैदा हो जाएंगे, कुछ लोग सेक्स इसलिए करते हैं कि उनकी शारीरिक और मानसिक भूख मिट जाएगी, कुछ लोग सेक्स इसलिए करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी का जन्म इसलिए हो कि हम वेदों के हिसाब से, हम धर्म के हिसाब से, हम देश सेवा के हिसाब से, हम शिक्षा के हिसाब से, हम किसान के रूप में, हम वैज्ञानिक के रूप में, हम एक राजनेता के रूप में ऊंचाई की तरफ जा सके। सेक्स
जब हम इसलिए करते हैं कि हम इस देश को कुछ देंगे, आने वाली पीढ़ी को कुछ देंगे, अच्छे अच्छे संस्कार गेरेंगे, कुरूतियों को मिटाएंगे, तो वो सेक्स अच्छा कहलाता है। और यदि हम सेक्स को केवल शारीरिक और मानसिक भूख मिटाने के लिए करते हैं, जिसे हम बलात्कार कहते हैं, तो वो गलत बात कहलाती है। मेरे सेक्स के इस विषय पे बहुत सारे लोग अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे, लेकिन वे सारे वे लोग हैं जो खुद भी सेक्स करते हैं और बच्चों की शादियां भी इसीलिए करते हैं कि पति पत्नी के रूप में बच्चे सेक्स करें और सेक्स करते हुए नई पीढ़ी को जन्म दें। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि सेक्स की क्लासेस हों, सेक्स के बारे में लड़के और लड़की को जानकारी हो, अर्थात पति पत्नी को जानकारी हो, कब हमें सेक्स करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, कैसे वातावरण में करना चाहिए, सेक्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, शिक्षा उसमें कितना योगदान करती है, मानसिकता कितना योगदान करती है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी ज़्यादा मजबूत होगी और हम पति पत्नी के रूप में सेक्स का वो आनंद ले पाएंगे जो हमारे शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को, देश के विकास को नया स्वरूप देगा। उदाहरण के तौर पे जो लोग समय के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से सेक्स करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, उन लोगों के बच्चे, और जो लोग केवल शारीरिक भूख के लिए सेक्स करते हैं, उन लोगों के बच्चे जो विकास करते हैं, उन दोनों के विकास में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर मिलते हैं कि सेक्स केवल इसलिए किया गया कि आदमी की सोच तो कहीं और थी, शरीर कहीं और था, विचारधारा कहीं और थी, और आने वाली पीढ़ी को उसके परिणाम भुगतने पड़े। लेकिन जब सेक्स सोच समझ के किया जाता है, वेदों के हिसाब से किया जाता है, मंत्रों के हिसाब से किया जाता है, तो हमारी सोच शक्ति वहीं केंद्र बिंदु पे टिकी रहती है जिसके कारण हम सेक्स कर रहे हैं, अर्थात शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, और संतान उत्पादन के लिए जो हम सेक्स कर रहे हैं, वह सेक्स शक्ति हमें हर तरीके से प्रबुद्ध बनाती है, मजबूत बनाती है, अच्छा वक्ता बनाती है, अच्छा लेखक बनाती है, अच्छा सांस्कारिक व्यक्तित्व बनाती है, अच्छा वैज्ञानिक और अच्छा डॉक्टर बनाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सेक्स हमारे शरीर की ज़रूरत है, सेक्स हमारे परिवार की ज़रूरत है, सेक्स हमारे समाज की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, लेकिन सेक्स को हम सदुपयोग के साथ करें, दुरुपयोग के साथ ना करें, बलात्कार का स्वरूप उसे ना दें, किसी के साथ गलत दृष्टि से सेक्स ना करें, सेक्स को हम स्वतंत्र मानसिकता के साथ चौमुखी विकास के लिए करें, वही सेक्स अच्छा कहलाता है। सेक्स पे जितना बोला जाए कम है। सेक्स पे बोलने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे शोधकर्ता,
बहुत सारे धर्माचार्य, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक यहाँ उपस्थित हैं, उन सब लोगों की विचारधारा भी हम सुनेंगे। और सेक्स जब भी करेंगे इसलिए करेंगे कि हम चौमुखी विकास करें, इस देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सत्यप्रकाश जी, आपने एक वीडियो बनाई है, सेक्स शक्ति है, सबसे सस्ता सबसे महंगा, ऐसा क्यों है? इस वीडियो में क्या कारण रहा इस तरह बनाने के लिए? ये दुनिया का जग जाहिर है कि सेक्स शक्ति है दुनिया की, जिसको एक छोटे से छोटे निम्न तबके का व्यक्ति से लेके और विश्व का ताकत से ताकतवर व्यक्ति प्रयोग करता है, और सब लोगों के पास केवल एक ही विधि है उस सेक्स की प्रक्रिया को अपनाने की। बस माहौल अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि सेक्स जितनी बड़ी पावर है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मजदूर के लिए, किसी भी राजा के लिए, किसी भी व्यापारी के लिए, उसकी शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती, शब्दों में वो बात नहीं बताई जा सकती। जितने भी इस दुनिया के अंदर शक्तिशाली साधन है उसमें सेक्स सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा सस्ता है। और इसका उल्टा भी कर दें हम, सेक्स सबसे कठिन काम है, सबसे महंगा है और सबसे विध्वंसकारी भी है। सेक्स शक्ति विषय को आध्यात्मिक विषय पर कैसे जोड़ना? सेक्स शक्ति को हम आध्यात्मिक पहले से ही मानते रहे हैं। हमारे वेदों में भी ये बात कही गई है कि सेक्स करने की एक परिभाषा है, सेक्स करने का एक टाइम होता है, सेक्स करने का एक विधान होता है। और जब हम सेक्स अपने पार्टनर के साथ करते हैं, अपनी पत्नी के साथ करते हैं, तो वह वेदों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से सुनिश्चित करा गया है। इस ब्रह्मांड की रचना के लिए प्राणी मात्र में सेक्स को ही एक ऐसा माध्यम बनाया गया है जो एंटरटेनिंग भी है और जो आध्यात्म के हिसाब से हमें संतान उत्पादन में भी प्रथम शक्ति के रूप में है। समाज में सेक्स शक्ति विचार पर आपके विरुद्ध कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि कुछ लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे? सर, ये केवल भ्रम है पत्रकार बंधुओं का। सेक्स एक ऐसी चीज है जिसको सब अपनाते हैं। संत महात्मा भी एक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपनाते हैं। इस शक्ति के विरुद्ध मैंने कोई गलत बात नहीं कही है और ना ही मैं कोई गलत बात कहना चाहता हूं। और जीवन की सच्चाई को यदि हम प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन तक सेक्स की शक्ति को जन जन तक पहुंचाते हैं, तो कोई इसका विरोध नहीं करने वाला। मैं उन चंद लोगों की बात नहीं करता हूं जो किसी कुंठा से ग्रस्त हों और सेक्स के बारे में बात करना, सेक्स के बारे में स्वतंत्रता,
सेक्स की विचारधारा को शिक्षा में परिवर्तित करने में विश्वास ना रखते हों, मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ, जितने लोग मेरे विरोध में आएंगे उससे कई सौ गुना लोग ज़्यादा सेक्स के अध्यात्म को, सेक्स की शक्ति को, सेक्स के मनोरंजन को, सेक्स की महंगाई को, सेक्स के धैर्यता को, सेक्स के घटनाक्रम को मानते हुए मेरे साथ ज़्यादा लोग आएंगे। जैसे कि आप देख, ये आपकी वीडियो ज़्यादातर देखी जा रही है, युवाओं में ज़्यादा जोश है आपकी वीडियो देखने का, इसमें तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को आप? सर, मेरी वीडियो महिलाओं में, बुजुर्गों में, देश के राजनेताओं में, धर्माचार्यों में, डॉक्टर्स में, युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। और अंतर सिर्फ इतना है कि युवा लोग उस वीडियो को देखकर ज़्यादा प्रभावित हैं और युवा लोग उस बारे में, अर्थात सेक्स की शक्ति के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। उनके फ़ोन, YouTube पे सब्सक्रिप्शन, मिस कॉल, SMS, WhatsApp इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि वे सेक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं और सेक्स की शक्ति को जितनी मजबूत वो समझते हैं उससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा गुना मजबूताई के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ताकि अनभिज्ञतावश कोई भी गलती युवा न करें। ये देश युवाओं का देश है और मैं भी ये चाहूँगा कि युवाओं को सेक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देके इस पृथ्वी पे आने के अपने जीवन को साकार कर सकूं। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।